नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज यानी 12 अप्रैल को 12 तुगलक लेन वाला सरकारी बंगला छोड़ दिया। राहुल गांधी लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों को आज 3 बजे तक चाबी सौंप देंगे। राहुल गांधी ने 14 अप्रैल को अपने कार्यालय और कुछ निजी सामान को बंगले से अपनी माँ सोनिया गांधी के आधिकारिक आवास में शिफ्ट कर दिया था। सूत्रों ने कहा कि गांधी ने शुक्रवार शाम को अपने बचे हुए सामान को उस बंगले से उठा लिया। यह बंगला उन्हें एक सांसद के रूप में आवंटित किया गया था। एक ट्रक को उनके सामान के साथ इमारत से बाहर जाते देखा गया। वह करीब 2 दशक से इस बंगले में रह रहे थे। सूत्रों ने कहा कि अपने कार्यालय बदलने के बाद वह पहले से ही अपनी माँ और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ उनके 10 जनपद स्थित आवास पर रहना शुरू कर चुके हैं। बता दें कि सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वह सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए गए थे। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनको 12 अप्रैल तक बंगला खाली करने के लिए कहा था। राहुल गांधी ने सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिससे सजा को रद्द करने की उनकी अपील को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 17 अदालत के आदेश को अगले हफ्ते गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी।